हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12 फरवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिनसे आपके आने वाले एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और जिसकी डिटेल आपको बताई जाए, उसे ध्यान से सुना करें और जवाब कमेंट में जरूर दिया करें, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके और आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। तो आइए बिना समय खराब की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। पहला सवाल है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया गया है? यानी कि महिलाओं और लड़कियों की हिस्सेदारी भी विज्ञान के क्षेत्र में समान रूप से हो, इसके लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी या फिर 8 फरवरी? तो अगर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 11 फरवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 11 फरवरी को आप हर साल इस दिवस को मनाते हैं। 2022 की अगर हम बात करें तो इसका थीम था इक्विटी, विविधता और समावेशन। जल हमें एकजुट करता है, ये इसकी थीम थी, इस बात को याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिए कि भारतीय यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप कब मनाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष आप कब मनाते हो? सेकंड क्वेश्चन है, विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, फरवरी का दूसरा गुरुवार, फरवरी का दूसरा शुक्रवार या फिर 11 फरवरी? तो इसका भी जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 फरवरी। तो सही आंसर है 11 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस हर साल आप 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक जिनका नाम था हाकिम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसके लिए मनाया जाता है? भारतीय यूनानी चिकित्सक हाकिम अजमल खान, 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? सागरिका घोष, करण थापर, राजदीप सरदेसाई या फिर स्वाति चतुर्वेदी? तो 3 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सागरिका घोष। याद रखिए, ये है इनकी पुस्तक का फ्रंट। सागरिका घोष के द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नाम की पुस्तक का विमोचन किया गया, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन देश के किस शहर में बनाया जा रहा है? भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन देश किस शहर में बनाया जा रहा है? पुणे, सूरत, अहमदाबाद या फिर मुंबई? तो 4 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरत। अब आइए, ध्यान रखने वाली 2 बातें हैं कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन मार्ग के रूप में जानी जाएगी। तो अगर आपसे ट्रेन मार्ग पूछता है तो मुंबई अहमदाबाद, और अगर आपसे पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन पूछता है तब आपको नाम लेना है सूरत। तो इस बात को याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, कमेंट में जवाब दीजिए कि बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है यह किस देश से हमने ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो किस भारतीय शहर को देश का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया? किस भारतीय शहर को भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या फिर चेन्नई? 5 नंबर की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई। तो याद रखेंगे दोस्तों, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की रिपोर्ट आई है रैंकिंग 2021 के अनुसार। 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई को 5वें, बेंगलुरु को 10वें और नई दिल्ली को 11वें स्थान पर रखा गया। तो इस बात को याद रखिएगा, मुंबई को 5वें, बेंगलुरु को 10वें और नई दिल्ली को 11वें स्थान पर रखा गया। भारतीय राज्यों में मुंबई टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्स डे आप किस तारीख को मनाते हैं?
12 फरवरी, 10 फरवरी, 8 फरवरी या फिर 11 फरवरी। 6 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 फरवरी को आप पल्स डे मनाते हैं। तो हाल ही में 10 फरवरी 2022 को दुनिया भर में विश्व दलहन दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का सिलसिला 10 फरवरी 2018 से स्टार्ट किया गया था। बात करें अगर खाद्य और कृषि संगठन प्रमुख जिसके द्वारा इसको हम मनाते हैं, तो इसके प्रमुख हैं क्वाडोंग्यू, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है रोम इटली, और इसकी स्थापना आपने की थी 16 अक्टूबर 1945 में। याद रखिएगा इटली की अगर हम बात करें तो रोम इटली टाइबर नदी के किनारे पड़ता है, जबकि इटली की प्रमुख नदी जिसे हम इटली की गंगा भी कहते हैं उसका नाम है पो। आप सभी को दोस्तों बताना है पूरे विश्व में सबसे छोटा देश इटली के अंदर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 साल की सेवा के बाद पुनः परिक्रमा युद्धाभ्यास के माध्यम से किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया। इनसैट 2E, कल्पना 1, GSAT-29, INSAT-4B। तो 7 नंबर के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि INSAT-4B। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक भारतीय संचार उपग्रह INSAT-4B को निष्क्रिय कर दिया, जो कि 24 जनवरी 2022 को भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव वर्तमान में डॉक्टर एस स्वामनाथ जी चल रहे हैं के सिवान के बाद। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है और स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देख लें तो हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी NDA में नए प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। ऋषभ देव, संजय कुमार, राजपाल खन्ना या फिर विशाल त्रिपाठी। तो 8 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संजय कुमार। तो संजय कुमार को NDA का नया प्रशिक्षक बनाया गया है। यह परमवीर चक्र विजेता रह चुके हैं और सूबेदार हैं। इन्हें NDA का नया प्रशिक्षक बनाया गया। अब बात हुई है NDA की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 को। इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्मा। हेडक्वार्टर खड़कवासला महाराष्ट्र में आपको दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया। अजीत घोषाल, नरेंद्र वाडेकर, संजय मल्होत्रा या अभिषेक वर्मा। तो 9 नंबर का हमारा सही जवाब है आंसर नंबर सी, यानी कि संजय मल्होत्रा। तो आप इन्हें याद रखिएगा। अब ये कौन है, तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा IIT कानपुर के पूर्व छात्र रह चुके संजय मल्होत्रा को फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी बनाया गया है। भारत सरकार के अधीन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन फाइनेंशियल सर्विस विभाग काम करता है। मल्होत्रा वर्तमान में REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ग्लोब हब पोर्टल के अनुसार आपने आधिकारिक स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का रैंक क्या आया है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने गोल्ड हब की एक रिपोर्ट निकाली जिसके अनुसार भारत की रैंकिंग क्या रही है, दूसरी, पांचवी, नवी या फिर 10वीं। तो 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10वीं। याद रखिएगा, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवी। इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। चलिए गोल्ड हब के अनुसार भारत का आधिकारिक स्वर्ण भंडार दुनिया में नवा सबसे बड़ा है। गोल्ड हब विश्व स्वर्ण परिषद की आधिकारिक वेबसाइट है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO डेविड टैट हैं। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। इसकी स्थापना 1987 में आपने की थी। परिषद के अध्यक्ष केल्विन दुश्रिगी साहब चल रहे हैं। तो ये सारी जानकारी भी आपको जरूरी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की।
तो भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? यूपी, एमपी, राजस्थान या फिर गुजरात? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अपने अंतिम क्वेश्चन की, ट्रैक माफ कीजिए टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक नाम का एक अभियान चलाया गया है या किस प्लेटफॉर्म के द्वारा स्टार्ट किया गया? गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के टेक अ ब्रेक नाम के एक नए अभियान की घोषणा की, जो कि इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने वाले उपयोगकर्ताओं को समय समय पर प्लेटफॉर्म से ब्रेक लेने और अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सचेत करेगा। इंस्टाग्राम 6 अक्टूबर 2010 से कार्यरत है। इसकी वर्तमान इनर मेटा यानी कि फेसबुक है और इसके फाउंडर केविन सिंस्टॉम साहब हैं। तो ये जानकारी भी दोस्तों आपको याद रखनी है। तो ये थे आज के हमारे 12 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज के करंट अफेयर से आपसे बन सकते थे। दोस्तों हम मुलाकात करेंगे कल की नई वीडियो नई करंट अफेयर के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।